चुप कराइए, ये भी आइए। रुपेंद्र जी, रुपेंद्र जी, रुपेंद्र जी, सबसे पहले आज के अवसर पर जो बिहार में हम लोगों ने 2012 से बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का आयोजन शुरू किया, तो आज भी वही कार्यक्रम है और उसी सिलसिले में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सबको मालूम है कि रक्षा दिवस भी आज है, तो हम लोगों ने कहा कि बहन की रक्षा के लिए तो सब लोग करते ही आज का दिन मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वृक्ष की रक्षा होनी चाहिए, तो उसी को देख करके हम लोगों ने आज के दिन ही इसकी शुरुआत कराई थी। और आज फिर आकर के अच्छा लगता है और आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा वृक्षारोपण किया जा रहा है, किया गया है और सबको कितना ज़्यादा सुरक्षित रखा जा रहा है। अब बिहार की क्या हालत थी, जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में मालूम है ना कि बिहार का क्या था, कितना कम था, 9% के करीब था, लेकिन उसके बाद ही जो हम लोगों ने शुरू किया है सब काम, अब तो 15% भी हो गया और उसके आगे भी हम लोग लगातार तेजी से कर रहे हैं। जो वृक्ष का रोपण, वृक्षारोपण कर रहे हैं सब जगह, तो उससे ये हो रहा तो अच्छा है। और आज के दिन सब जगह इसका आयोजन किया जाता है और आप जानते ही कि हम लोग जो वृक्ष की रक्षा के लिए ही एक लगाते हैं और बाकी सब जगह नया वृक्षारोपण भी करते रहते हैं, यही सब काम है सबका, और इसलिए सब कुछ पता ही है। और अब तो जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने शुरू किया 19 में, तो उसी से मैंने कहा कि जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, तो उसको लेकर के भी सारा काम कर रहे हैं हम लोग, ये सब तो चल ही रहा, तो उसी सिलसिले में आए। सरकार बदलते ही एक बार आप लोगों पर फिर से जंगल राज का आरोप लगने लगा है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री ने ट्वीट करके आरोप आंकड़ा दिखा रहे हैं कि जंगल राज पर आरोप लगाएगा, कुछ अंडपंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी, आप जानते नहीं, जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा, या देख नहीं रहे जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका, कोई मैंने समझिए ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाए। गठबंधन बदलने से सोनिया जी के पद में कटौती की आशंका आपको भी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या स्थिति उत्पन्न होगी, एक एक चीज सबके सामने आएगा, और आप जान लीजिए देश चलता है संविधान के मुताबिक और संवैधानिक प्रावधान है, केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा, हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है सर, राष्ट्रीय स्तर पे अरे सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। सब विकास लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन देखिए भाई एक बात हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं, जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता हूँ प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें, विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों को समस्याओं के लिए बात करेंगे, सर आपकी भूमिका क्या रहेगी, विपक्षी अच्छा वातावरण रहे इसके लिए सब मिल करके बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे, अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिए सर। एक सवाल इस तरफ से, सब हमसे मत पूछिए सर, एक सवाल इस तरफ से सर, नेशनल अपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा, अपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा, जो हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं, बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे, पहले अपना यहाँ का काम करके
फिर और जगह मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार कब तक होगा सर? जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होगा। नीतीश जी आप गुजरात कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं, पोजीशन हो जाना चाहिए, आप जानते ही है ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो कल भी पूछ रहे थे तो हमने कहा कि जल्दी होना चाहिए, अन्यथा 15 के बाद तो निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगा। 16 और ऐसा और पहले भी हो जाता हूँ ना। अच्छा आप 16 से पहले वाला आगे जो करेंगे सब आपको बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।